त्रिपुरा में कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर हमला किया गया, गाड़ियों पर पथरा हुआ है, कई गाड़ियां टूट गईं। चुनाव और उसके बाद हुई हिंसा की जांच के लिए कांग्रेस की टीम वहां पर पहुंची थी। नमस्कार आदाब दोस्तों, ये जो वीडियो आप लोगों ने देखा है ये त्रिपुरा से सामने आ रहा है, जहां पर हुई हिंसा के मामले में जांच करने पहुंची कांग्रेस पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग टीम के ऊपर हमला किया गया है और यहां पर गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, खूब हिंसा की गई है। आगे इसका वीडियो हम आपको विस्तार से दिखाएंगे, साथ ही साथ कुछ और अपडेट देंगे। दो और बड़ी खबरें इस वीडियो के जरिए से आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर, होली के मौके पर मुस्लिम महिलाओं को किस तरह से परेशान किया गया है, उनको निशाना बनाया गया है, इसके कई वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन जो मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने जा रहा हूं ये देख करके आप भी चौंक जाएंगे। और एक होली जैसे पर्व के मौके पर किस तरह से कुछ लोग मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, इसके वीडियो आपको दिखाएंगे। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि त्रिपुरा के अंदर चुनाव के बाद किस तरह की हिंसा हुई, इसके कई वीडियो फुटेज आप लोगों ने देखे भी होंगे और ये हिंसा करने वाले लोग कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियों का दावा है बीजेपी के लोग थे। और इसी की जांच करने के लिए कांग्रेस पार्टी की एक जांच टीम त्रिपुरा पहुंची और यहां पर उन्होंने चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच करने के लिए ये लोग पहुंचे हुए थे, यहां पर ये टीम गई हुई थी। लेकिन फिर यहां पर दोस्तों हिंसा की गई है, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये वीडियो पूरा देखिए उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर, त्रिपुरा में कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर हमला किया गया, गाड़ियों पर पथरा हुआ है, कई गाड़ियां टूट गईं। चुनाव और उसके बाद हुई हिंसा की जांच के लिए कांग्रेस की टीम वहां पर पहुंची थी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। सीताराम येचुरी ने इस हमले को लोकतंत्र की हत्या बताया है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने त्रिपुरा से, जहां पर गाड़ियों पर पथराव किया गया, चुनाव में भी हिंसा की जांच करने के लिए कांग्रेस की टीम वहां पर गई थी। डेलीगेशन वॉज सेंट टू त्रिपुरा टू असेस द अटैक्स ऑन द ऑपोजिशन वर्कर्स एंड द लीडर्स एंड जस्ट नाउ आर AICC इंचार्ज, आर PCC प्रेसिडेंट and also a member of parliament and a working president Sushanta Chakravarti were attacked. Let me just show you the state in which this is how the cars have been attacked. And all the cars have been broken. And this is the PCC president's car. It has been vandalized. रंजीत रंजन कांग्रेस सांसद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। रंजीत जी, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई है कांग्रेस डेलीगेशन वहां, तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देखा, खैर ये वीडियो काफी लंबा है, ये वीडियो त्रिपुरा से सामने आ रहा है जहां पर कांग्रेस की जांच टीम पर हमला हुआ है और गाड़ी यहां पर तोड़ी गई है। चुनाव में हुई हिंसा की जांच के लिए यह टीम जो है त्रिपुरा पहुंची थी और उसके बाद यह बवाल हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि बीजेपी की सरकार त्रिपुरा के अंदर बनी है, आप जानते भी हैं, लेकिन एक भी बीजेपी का नेता अब यहां पर राष्ट्रपति शासन की मांग नहीं कर रहा है। अगर यही हिंसा किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में होती, पश्चिम बंगाल में होती या कोई दूसरे राज्य में होती, तो बीजेपी के नेता अब तक आकर के राष्ट्रपति शासन की मांग कर चुके होते, लेकिन यहां पर खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है तो बीजेपी नेताओं को यह कहीं भी नजर नहीं आ रहा है कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अब आप बताइए, आप लोगों को पता भी होगा, इससे पहले विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार कहा गया कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए बीजेपी के ये गुंडे लगातार हिंसा कर रहे हैं। जब उस हिंसा की जांच करने के लिए कांग्रेस पार्टी की टीम वहां पर पहुंची है तो उसके ऊपर किस तरह से हमला किया गया है यह वीडियो आपके सामने है। लेकिन इस पर ना गृहमंत्री अमित शाह जी कुछ बोलेंगे, ना मोदी जी कुछ बोलेंगे, ना उनके नेता कुछ बोलेंगे, इस पर अनुराग ठाकुर भी कुछ नहीं बोलेंगे कि यहां पर
ये हिंसा कौन से लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं हिंसा करने वाले लोग कौन हो सकते हैं, किस पार्टी से जुड़े हुए हो सकते हैं। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, अगली बड़ी खबर की, अगली जो बड़ी खबर आ रही है वो होली के मौके पर मुस्लिम महिलाओं को लगातार टारगेट किया गया है दोस्तों। वैसे जो लोग अच्छे संस्कार जिनको मिले होते हैं वो शायद महिलाओं को टारगेट नहीं करते हैं, ऐसा आप लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन अब संस्कार के नाम पर किस तरह से लोगों को पाला पोसा गया होगा, इस पर सवाल खड़े करने वाले कुछ वीडियो सामने आते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देखिए, जाकिर अली त्यागी ने पहला वीडियो ट्वीट किया है, ये होली के दिन का वीडियो है। होली के दिन भी समाज और देश का माहौल खराब करने की कोशिश की गई है और हिंदू मुसलमानों में लड़ाई लगवाने की कोशिश की गई है, और इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसका पहला वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जाकिर अली त्यागी ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, बच्चों ने भी बुरके में जा रही महिला को टारगेट कर रंग फेंका, बच्चे भी जानते हैं मुस्लिम औरतों का सिर फोड़ना है, उन्हें सताना व परेशान करना है, यहां से गुजरने वाले अन्य लोगों के सिर में गुब्बारे नहीं मारे गए लेकिन मुस्लिम औरत का खूब सिर फोड़ा गया, मारिए, अपना त्यौहार मुकम्मल कीजिए। ये उन्होंने ये यानी वीडियो ट्वीट करते हुए सवाल खड़े किए हैं। अब आप बताइए दोस्तों, इस तरह से खुलेआम मुस्लिम महिलाओं के ऊपर गुब्बारे फेंके जा रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। सिर्फ ये एक वीडियो नहीं है, मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं, आप देख सकते हैं इस वीडियो को भी, यहां पर भी मुस्लिम महिलाओं के ऊपर रंग फेंका जा रहा है, वो बिचारी पीसफुली एक रस्ते से गुजर रही है और उनके ऊपर जो है इस तरह से रंग डाला जा रहा है। आप सोचिए जरा, क्या इस तरह से आप अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे, क्या ये सही तरीका है अपने फेस्टिवल को, यानी होली के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का? लेकिन नहीं, आप समझ सकते हैं ये नफरत है, लोगों के दिमाग में जो है सोच को उसके बदल दिया गया, उनके दिमाग में सड़ी हुई सोच डाल दी गई है, इसका असर देखने को मिल रहा है। आप समझ सकते हैं, अगर इस महिलाओं की तरफ से कोई रिएक्ट किया जाता तो शायद वहां पर बवाल हो जाता, लेकिन समझदारी दिखाई इस महिलाओं ने कि इन्होंने कुछ बोला नहीं, ये शांति से अपनी जगह चली गई। लेकिन क्या इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इन लोगों को पकड़ करके ये सवाल होना चाहिए कि आखिरकार इन्होंने ये सब कुछ क्यों किया? क्या आप अपने त्यौहार की आड़ में इस तरह से महिलाओं को परेशान करेंगे, महिलाओं के ऊपर जो है इस तरह से रंग डालेंगे? सोचिए जरा आप। लेकिन इस तरह के लोगों के ऊपर आज देश के अंदर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इनको खुलेआम छोड़ दिया गया कि आप जाइए, जहां चाहिए जैसे चाहिए वैसे आप जाकर के जो है लोगों के ऊपर अटैक कर सकते हैं। ऐसे कई वीडियो है, ये मैंने दो ही वीडियो आपको दिखाए हैं, ऐसे कई वीडियो जो अलग अलग हिस्सों से देश के सामने आ रहे हैं। क्या आप होली की आड़ में, अपने फेस्टिवल की आड़ में इस तरह से एक ही समुदाय के लोगों को टारगेट मतलब जो है करेंगे, ये सही है? क्या ये सही है? सोचिए। खैर, आपकी अपनी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।